हे गाइस, वेलकम टू चंदा ग्लैम ब्यूटी। बेदाग त्वचा किसको पसंद नहीं होती है। अगर आप डेली ये 2 मिनट कर लोगे ना, तो आपकी स्किन एकदम बेदाग हो जाएगी, रिंकल फ्री हो जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात कर रही हूँ आइस क्यूब की। आइस क्यूब के लिए आप कोई भी फ्रूट ले सकते हो। फ्रूट अगर आप फेस पर डेली रब करते हो ना, तो आपकी जो स्किन है ग्लो तो करेगी, साथ में फ्रेश भी नज़र आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ फ्रूट्स दिखा रही हूँ, जिसमें मैंगो है, कोकोनट, बनाना, तरबूज, पपाया, ये सब चीज़ें जो है अगर आप इनका आइस क्यूब बना के रख लेते हो ना, और डेली 2-3 आइस क्यूब अपने फेस पे रब करते हो, तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाएगा, शाइन करने लगेगी, रिंकल फ्री हो जाएगी आपकी त्वचा। तो यहाँ पे मैंने कुछ आइस क्यूब के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने बनाना लिया है, पपाया लिया है, वाटरमेलन लिया है, रोज वाटर लिया है। इन चीज़ों को आपको क्रश कर लेना है और आइस क्यूब बना लेना है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने तरबूज को क्रश कर लिया है। तरबूज जो है आपके चेहरे पे, अगर आप समर में इसका आइस क्यूब रब करते हो ना, तो एकदम फ्रेश लुक देता है। जो एक ब्लश आता है आपके चेहरे पे, वो तरबूज के आइस क्यूब को रब करने से आता है, आपके चेहरे को एक कूलिंग इफेक्ट देता है। आइस क्यूब आप किसी भी तरह का आइस क्यूब जमा के रख सकते हो। सेकंड जो पपाया है, वो आपके चेहरे पे ग्लो लेके आता है, जो दाग धब्बे है उसको ख़त्म करने में हेल्प करता है, आपकी त्वचा को रिंकल फ्री बनाता है। तो आप पपाया का भी आइस क्यूब बना के रख सकते हो। चाहे अगर जो खीरा होता है उसको आप कद्दूकस कर ले, और उसका भी आइस क्यूब आप रख सकते हो और उसे अपने फेस के ऊपर रब कर सकते हो। चाहे जो कॉफ़ी है उसको पानी में डाल के मिक्स करके आइस क्यूब जमा सकते हो। उनमें इतना ज़्यादा कैफीन होता है कि आपके चेहरे को एकदम ब्राइट करता है, जो डार्क सर्कल होता है उसको ख़त्म करता है। यहाँ आप देख रहे हो कि मैंने बनाना लिया है। बनाना आपके फेस के ऊपर ग्लो लेके आता है, रिंकल फ्री करता है। अगर आप कहीं जाते हो, बनाना का फेस पैक लगा लेते हो, तो आपकी स्किन अलग ही निखरती है। रोज वाटर को भी आपको आइस क्यूब ऐसे ही जमा लेना है। कहीं अगर आपको बाहर जाना है, तो रोज वाटर का आइस क्यूब रब करें और चले जाए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने कुछ मिल के भी आइस क्यूब रब किए हैं, और नहीं तो आप सिंपल जो वाटर होता है, मिनरल वाटर का भी आइस क्यूब आप बना सकते हो, और उसे अपने फेस पे रब करोगे तो आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी, चमकती रहेगी। तो आपको इन सबको फ्रीज कर लेना है, और आप देख सकते हो कि आइस क्यूब यहाँ पे बनके तैयार हो गया। जो ये बनाना है, ये जब जैसे आप छोड़ोगे ना, तो ये ब्लैक हो जाएगा, लेकिन ये काम वैसा ही करता है। तो आप घबराए नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मिल्क की भी आइस बन गई है, और रोज वाटर की भी बन गई है। आप ग्रीन टी की आइस क्यूब बना के रख सकते हो, उससे पफी आइस बहुत जल्दी ठीक हो जाती है, और आपकी स्किन पे अगर पिंपल वगैरह होते हैं उसको भी ठीक करने में बहुत जल्दी हेल्प करता है। तो आप देख रहे हो कि मैं मिल्क का आइस क्यूब रब कर रही हूँ। ये आपके चेहरे को मॉइस्चराइज बहुत अच्छे तरीके से करता है। जब आप आइस क्यूब रब कर लोगे ना, तो उसको आपको ऐसे ही आधा घंटा 1 घंटा रहने देना है, ताकि वो आपकी स्किन के ऊपर एज अ फेस पैक भी काम कर पाए। तो आप देख रहे हो कि यहाँ मैंने तरबूज लिया है और इसको मैं रब कर रही हूँ। आप दिन में 3 से 4 बार आइस क्यूब अपने फेस के ऊपर रब कर सकते हो, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आपकी स्किन जो है वो टाइट होने लगती है, जिससे कि आपका जो चेहरा है वो हमेशा जवान दिखता है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, बस आइस क्यूब ही आपको रब करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।